डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यूपी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं, वह भी तब जबकि पकड़े जाने की स्थिति में सुनवाई नहीं है। इसके साफ संकेत हैं। लखनऊ में छात्राओं का पीछा कर रहे उनसे छेड़छाड़ करने वाले का एक वीडियो वायरल हो गया है। छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस का सिपाही सादत अली निकला। मोहनलालगंज थाने की PRV 112 में तैनात सादत अली स्कूटी से पीछा कर रहा था। शिकायत होने पर पीछे आ रही छात्रा की माँ ने रंगे हाथ सादत अली को पकड़ लिया। सादत अली को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उसने बिना अनुमति के दाढ़ी रखी हुई थी और इसे छिपाने के लिए हेलमेट लगाए हुए था। देखिए कैसे पकड़ा गया रक्षा के लिए तैनात सिपाही सादत अली भक्षक के रूप में। जानते हैं आप उनको? आपके बच्चे के साथ पढ़ती है। एक सेकंड रुकिए, गाड़ी इधर साइड आइए। आपके बच्चे के साथ पढ़ती है? ये केंद्रीय विद्यालय पढ़ती है। केंद्रीय तो एक ही में पढ़ती है। हेलमेट उतारो भाई साहब, ये डेली लड़कियों को स्टॉक कर रहा है। इतना रेस्ट करके रखा, यही है क्या बताऊँ? वीडियो बनाओ इसका। बना ले। तुम्हारी गाड़ी में नंबर क्यों है दीदी? ये गाड़ी मेरी बैटरी वाली है। फोटो खींचा तुमने? हाँ फोटो है। बैटरी वाली में नंबर नहीं होता? नहीं होती दीदी। नमस्ते, फोन जाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।